राघव, राघव कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कोई ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। क्या हुआ नैना, तुम मुझसे अर्जेंटली क्यों मिलना चाहती थी? एवरीथिंग इज ओके? क्या हुआ नैना, घर पे कुछ हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? तुम समझते क्या अपने आप को? हम दोनों ने डिसाइड किया था ना सब मीटिंग में हम साथ में जाएंगे, तो मुझे बिना बताए क्यों चले गए? हाँ डिसाइड किया था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया था इसलिए। इतना क्या जरूरी काम आ गया था? हाँ राघव, इतना क्या जरूरी काम आ गया था? तुम्हें पता भी मैं कितना डर गई थी? एक तो मुझे बिना बताए चले गए और फिर उस न्यूज़पेपर की एड पर एक सर्कल करके चले गए। तुमने सोचा मैं कितना डर गई वो देख के? मुझे लगा तुम। हाँ मैंने न्यूज़पेपर की एड को सर्कल किया था, लेकिन उसे देख के तुम्हें क्यों, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे लगा तुम इस एड पे सर्कल करके गए थे ना, ये मजाक है तुम्हारे लिए। क्या करना चाहते हो तुम राघव? एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये देखकर मैं कितना घबरा जाऊंगी? मुझे लगा तुम पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने जा रहे हो। मैं पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने जा रहा हूँ? दिस इज नॉट फनी। इट इज फन नैना, तुम्हें क्या लगा मैं पैसों के लिए अपनी किडनी बेच दूंगा? तुम्हें प्रोफेसर किसने बनाया? तुम कॉपी करके पास हुई थी क्या? ये देखो मैंने है ना इस एड को सर्कल किया था, उस एड को नहीं, उसकी प्रिंट पीछे आ गई थी, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। हेल्प नीडेड इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखो मुझे एक बात बता, तुम अपने बच्चों को जो स्टूडेंट्स रहते थे उनको मार्क्स कैसे देती थी? ओके सुनो, माना कि मेरी हालत थोड़ी बुरी है, लेकिन मैं पागल नहीं हूं मेरी माँ, इतना भी डेस्परेट नहीं हूं कि पैसों के लिए अपनी किडनी दे दूं। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि मैं अपनी किडनी डोनेट कर रहा हूं तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों? मुझे अपनी चिंता हो रही थी, अगर तुम अपने कोई वाइटल ऑर्गन जाके डोनेट कर दोगे तो मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे लिए कोई हट्टा कट्टा नौजवान पैसे कमाए। अब वैसे भी पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे नहीं होंगे ना तो हम जियेंगे कैसे? इसलिए मैं अपने बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में नहीं। देखो ना, गलती चाहे जिसकी भी हो, माफी हमेशा मुझे ही मांगनी पड़ती है। सॉरी प्रोफेसर। अच्छा मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो एक आइसक्रीम तो बनती है ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूं। कम ऑन प्लीज। Oh my God, यहाँ तो इतने सारे फ्लेवर्स हैं, पैशन फ्रूट, क्रैनबेरी, चॉकलेट। राघव मुझे तो लगता है मैं सारे खाने वाली हूँ। तो खाओ ना, रोका किसने? ट्रीट मेरी है बॉस, do whatever you want. मैंने तो डिसाइड कर लिया है, वन चॉकलेट आइसक्रीम और वन मिनट। तुम क्या खाओगे? मैं तो आइसक्रीम नहीं खा रहा। एक्चुअली मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे बहुत हैवी फील होगा और मैं ऑलरेडी बहुत स्टफ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ, इसलिए मुझे डाइटिंग करनी चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बाहर जो मैंने तुम पर चिल्लाया ना उसकी वजह से मेरा गला सूख गया है। अब आइसक्रीम खाऊंगी तो गला खराब हो जाएगा। चले तो हम घर जाते हैं, आइसक्रीम कभी और खाएंगे। सॉरी वी डोंट वांट इट। चलो पैसे हैं मेरे पास, तुम आइसक्रीम खाओ, मुझे पता था मुझे वैसे मना कर रही। क्या जबरदस्ती है, नहीं खानी आइसक्रीम कभी? देखा कह रही हूँ मुझे नहीं खाना, सच? कितनी अजीब बात है, मैं नैना के लिए आइसक्रीम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। क्या सोच रहे हो? चलो। Excuse me. If any customer goes without eating ice cream from my shop, it's not good for my shop. Please wait.
Please try this new flavor. It's complimentary for you. Actually, generally we serve this ice cream to the people who eat two different bowls. But for you lovebirds, I especially serve in one single bowl. Have you heard? If you share, bat ne se pyar barta hai. Thank you. Welcome. तुम तो नहीं खाए हैं। तुम तो सच्चे लगते हो, जैसे भी हो हमको अच्छे लगते हो। एक नया एहसास है अब हम क्या बोले, राज ये दिल का होठों से कैसे खोले। मेरा बैग और कोट लेके आना प्लीज। राघव, यू सही सुना आपने, मैंने मोनाको से एक्सोटिक डांसर्स और स्विट्जरलैंड से शैंपेन मंगवाई है सिर्फ आपके लिए। ये रात आपको हमेशा याद रहेगी। A night that all of you will always remember. See you then. Bye. दिमाग खराब है तुम्हारा? इन एक्सपेंसिव एक्सोटिक डांसर्स पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है मॉम, करना पड़ता है ये सब। और क्लाइंट्स की केयर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और आखिरी में फायदा तो हमारा ही होता है, आप तो जानती है ना ये सब मॉम। हाँ बेटा, क्लाइंट सर्विसिंग के बारे में हमें बहुत नॉलेज है, हमें मत सिखाओ। ओके, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। मॉम, कंपनी अकाउंट से, और कहाँ से? माय डियर बॉय, ये कंपनी अकाउंट जो है ना, कोई जादुई अकाउंट नहीं होता। इसमें अपने आप पैसे आ जाते हैं, इसमें पैसे डालने पड़ते हैं कमा के, मेहनत से। कम ऑन बल्लू, वीर को इस सब के बारे में क्या पता होगा? उसने तो लाइफ में एक दिन भी आज तक काम नहीं किया। मॉम, चाचू गए वो दिन, समय बदल चुका है। आप अब हमें ऑर्डर्स नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दादी के विल के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी हम सबका इक्वल हिस्सा है। तो अब से हम आपके सबॉर्डिनेट्स नहीं रहे। We all are equal. बिजनेस पार्टनर और बोर्ड मेंबर होने के नाते मुझे और मेरे डैड को कंपनी के सारे बड़े फैसले लेने का वोट मिलता है। और मेरा फैसला यह है कि वो एग्जॉटिक डांसर्स आएंगे तो मतलब आएंगे। जो भी कदम रखना ना, बहुत सोच समझ के रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जी, गुड लक। क्लाइंट्स के लिए इन एग्जॉटिक डांसर्स को बुलाना जरूरी है क्या? बहुत सारे तरीके हैं। एक्चुअली काफी ज्यादा बोलने लग गई हो तुम संजू। वैसे तुम होती कौन है मुझे कोई भी एडवाइस देने वाली? मेरी वाइफ? अगर मेरी वाइफ होते भी ना, तब भी मैं तुम्हारी नहीं सुनता। यू नो व्हाई? क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मैं जो चाहूंगा वो करूं। और अगर तुम्हें उन डांसर से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो अपने कमरे में जाओ, सामान पैक करो और उसी स्पीड से बाहर निकल जाओ। समझ में आया तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं दवाई खा लूंगा। लेकिन तुम्हें तो देखो कैसे हाफ रही हो, थक गई हो, बहुत टायर्ड हो गई होगी ना मेरे पीछे पीछे घूम के। इतना अच्छा लग रहा है ये बाइट। राघव, तुम ना सिर्फ दिखने में भूले हो, अंदर से तो पूरे के पूरे चंट हो। अरे अभी तक तुमने देखा ही क्या है, ये तो बस शुरुआत है। मैं बहुत बड़ा चंट हूँ और आइसक्रीम सूंघते ही मेरे अंदर का चंट जाग जाता है। समझी तुम चंट की बीवी? पागल। ये शोर कैसा? और दादी भी बीमार है, मैं देख के आता हूँ, ये टू मच है यार। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, मैंने कहा ना। पर क्यों? तुम अंदर आओगी तो वो लोग एक मौका नहीं छोड़ेंगे तुम्हें सुनाने का। और अब बस हो गया, मैं और नहीं सुन सकता। अगर वो मेरी बीवी को सुनाएंगे तो मैं पलट के उन्हें सुना दूंगा। इससे बेहतर है कि तुम यहीं रुको, मैं दादी को देख कर आता हूँ। ओके, मैं
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।